My greetings to everyone watching Department of Journalism and Mass Communication, Mata Gujri College, Fatehgarh Sahib. This is Tahira, your host for the day. And today I'm here with the program on National Voters Day. National Voters Day is celebrated every year on 25th of January. It was started in 2011 in order to spread awareness about the basic right of voting. Every person attaining the age of 18 should vote. And that is what our government wants. Increasing the voting percentage and enrollment of the new voters. So let's see what is the level of awareness of our college students regarding a basic right to vote. Sat Sri Akal ji, toda naam? Mera naam ji Jaskaran Singh ji. Jaskaran, tonu pata hai vi ik National Voters Day hunda, oh kadon manaya janda? National Voters Day nahi pata nahi ji, mainu ta nahi pata ji. Koi idea hove? Nahi, koi idea nahi hega ji. वैसे थोड़ी एज कितनी है? मेरी एज जी 18 इयर्स ओल्ड। तुसी वोटर आईडी कार्ड बनाया अपना? नहीं जी। तनु बनाना चाहिदा है। एसी कम्मा करके ना अपनी सरकार ने 25th जनवरी एनु नेशनल वोटर्स डे मनाउण दा तय कीता। 2011 च स्टार्ट कीता सीगा ते हुण हर साल मनाया जांदा है। एदे विच हुंदा ही आ है वी जिहड़े 18 साल दे होए ने उहनां नूं एनरोल कीता जांदा। हैलो, आपका नाम? मनीष कुमार झा। मनीष, आपने कभी वोट कास्ट किए? यस, एक बार किया वोट। एंड आपको पता है ईवीएम और बैलेट पेपर्स क्या होते हैं? हाँ जी, पता है। जो ईवीएम है वो इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन होती है, इससे हम इलेक्ट्रिकली तरीके से जो है वोट कर सकते हैं। और जो बैलेट पेपर था वो पहले के टाइम में चलता था, जिससे हम स्टैंप का यूज़ करते हैं, जो अपने हमने राइट वगैरह जो उसका यूज़ करके हम उसको वोटिंग करते हैं। एंड आपको क्या लगता है, ईवीएम ज़्यादा सक्सेसफुल है या बैलेट पेपर वॉज मच बेटर? सो वेल, जैसे कि मुझे लगता है कि जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था वो बेहतर था, जैसे कि टेक्नोलॉजी का अभी इतनी एडवांसमेंट हो रही है, तो ईवीएम भी नो डाउट बहुत बढ़िया है। ठीक है, टाइम की यहाँ पे बहुत ही अपने आप ही काउंटिंग हो जाती है। पहले बैलेट पेपर में ऐसा होता था कि मतलब महीनों लग जाते थे काउंटिंग के लिए। ठीक है, अब वो मतलब बहुत ही कुछ ही दिनों में हो जाता है, एक दो दिन में हो जाता है। लेकिन अब इसकी एक लिमिटेशन भी यही है कि अब जैसे कि हमको पता है कोडिंग सिस्टम यूज़ होता है वहाँ पे, जैसे हम मशीन वगैरह में जो हम फीड कर देंगे मशीन ने रिजल्ट वैसा देना है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, इनमें कुछ हेराफेरी करके मतलब अपने वोटिंग को इंक्रीज कर लेती हैं। लेकिन बैलेट पेपर वाले में ऐसा नहीं था। बैलेट पेपर में आप जो डालोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आउटकम उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब तो, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे अनफेयरनेस के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं? हाँ जी, अनफेयरनेस के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। और कुछ कई जैसे हम लिटरेसी रेट देखें हमारे इंडिया की, इट इज नॉट टू गुड, तो कईयों को तो इनका मतलब ही नहीं पता होता कि मशीन में वोटिंग देने कैसे नहीं, क्योंकि इनमें इतने ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कितने पार्टीज के नेम होते हैं, तो कईयों को पता ही नहीं होता कि उनका पार्टी का सिंबल क्या है, किस पे हमने जाके क्लिक करना है। तो कईयों को तो कन्फ्यूजन में किसी और पे करना होता है, किसी और पे कर देते हैं। तो कई तो कन्फ्यूजन जो इलिटरेट पीपल्स हैं तो वो नहीं होता। बाकी जो लिटरेट पीपल है वो चलो वो तो करते हैं, लेकिन बाद में वही बात आती है कि प्रॉपर उसकी काउंटिंग नहीं होती। मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग ईवीएम एक अच्छा सिस्टम है, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे हमको पता है साइंस के अगर एडवांटेज है तो उसकी लिमिटेशन भी है हर चीज़ की। तो मुझे लगता है कि जो बैलेट पेपर था वो सिस्टम बढ़िया था। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थोड़ा पता है नेशनल वोटर्स डे कदों मनाया जाता? हाँ जी, 25th जनवरी। थोड़ा नोटा बारे पता? हाँ जी, मैं मीन्स नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। अपने कोल ए राइट हैगा, आपां अगर किसी भी कैंडिडेट नूं वोट नहीं डालना चाहते तो आपां ए ऑप्शन नूं क्लिक कर सकते हैं और आपां किसी भी पार्टी नूं वोट नहीं डाल सकते। मतलब नोटा वैसे एक्चुअली आ हुंदा वी तुसी अपनी वोट कास्ट करती बट तुसी इलेक्शन चॉइस नहीं दिती। मतलब आपां अपना बेसिक राइट भी अपील कर लिया एंड आपां इलेक्शन प्रोसीजर नूं भी हार नहीं कीता। थैंक यू। थैंक यू। हैलो, आपका नाम? नवप्रीत कौर। नवप्रीत, आपने कभी वोट कास्ट किए? नो मैम। नियरली करने वाले होंगे एक साल में, तो अगर आप फर्स्ट टाइम जब आप वोट कास्ट करोगे तो आपका क्या ओपिनियन होगा? आप अपने फैमिली ओपिनियन पे वोट कास्ट करोगे क्या अपने ओपिनियन पे? नो मैम, मैं अपने सेल्फ ओपिनियन पे वोट करूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी कैंडिडेट उस टाइम पे मुझे सफिशिएंट लगेगा कि यह हमारे भले के लिए कुछ काम करेगा तो मैं उसी कैंडिडेट को वोट करूंगी। मतलब आप कह सकते हो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वोट कास्ट करोगे? यस मैम, ऑफ कोर्स, हमारा बेसिक राइट है ये। हाँ जी मैम, हमें करना ही चाहिए। सत श्री अकाल जी, थोड़ा नाम? श्रीकाल जी, मेरा नाम करमवीर सिंह जी। करमवीर, थोनू पता नेशनल वोटर्स डे कदों मनाया जाता है?
आई थिंक 25th जनवरी हां जी 25th जनवरी थोड़ा वोटर आईडी कार्ड हैगा हां जी बने हुए जी ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ So there was a mixed kind of a response by the students on this topic. I hope all the viewers will understand our motive behind this program and will take their right to vote seriously. If you liked our initiative and program, do like, share, comment and subscribe our channel. Thank you.